हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप लोगों का। और आज कितना तारीख हो गया? आज 28 तारीख हो गया। आज लीप ईयर का 28 फरवरी है, लास्ट है। आज हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू के स्मारक के पास, उनके गांव में जीरा दही। ठीक है, आइए आप लोग घुमाते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग बने रहिए। हमारे साथ है मेरे भाई साहब और हमारे साथ एक और छोटे भाई हैं, मामू के यहाँ से आए हैं। हेलो, हम लोग यहाँ मुलाकात हुई, जलसे में आए थे। तो कंटिन्यू ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, मैं स्मारक उनका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए वहाँ कुछ घूमते हैं, कैसा पार्क है दिखा रहे हैं। है ये बगल में ये स्कूल है, ठीक है, और ये कैंपस हो गया। राजेंद्र राजेंद्र उद्यान है, वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ लिखा है राजेंद्र उद्यान। ये प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है जगह, पार्क है ये घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए स्वचालित मोशन स्टेशन, ऑटोमेटिक वाटर स्टेशन प्रबंध किया गया है यहाँ पर, पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ टहलने के लिए, यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, फुटपाथ बनाया गया है घूमने के। इसी से जस्ट सटा हुआ स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और हमें गर्व है, गर्व से कह सकते हैं हम लोग कि हमारे बिहार में सबसे पहले बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण श्री लालू प्रसाद द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री बिहार के थे जब, कर कमलों द्वारा इनको दिनांक 6/9/1991 को संपन्न हुआ। आइए दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ अंकित किया गया है। या कुछ श्लोक लिखा हुआ है, देश के प्रिय भजन, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरिनाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। उनकी कुछ महत्वपूर्ण सुक्तियाँ देखिए, कितने अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, वहाँ पे कितना अच्छा भजन लिखा हुआ है, आप लोग सुने भी होंगे। हमारी संस्कृति में एक विशेषता है कि हम किसी कठिन से कठिन काम के लिए बहुत सहज और सीधा उपाय निकास कर सकते हैं। अहिंसा का तात्पर्य दूसरे को केवल पीड़ा नहीं पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि उनकी भावना अत्यधिक है। इसका आशय दूसरे को कल्याण करना है, घृणा के बदले घृणा की भावना नहीं होना ही पर्याप्त नहीं है, यह अपेक्षित है कि हम घृणा के बदले प्रेम प्रदान करें। बहुत बढ़िया, मुझे इस प्रकार की वास्तविकता को स्वतः व्यवहार में देखने का अवसर मिला है। सर्व मुझे उनके गुणों पर पूर्णतः विश्वास जम गया है, जिससे मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 27/5/1984 को राजेंद्र शिशु उद्यान जीरा देई का उद्घाटन। यहाँ से प्रतिमा के पास जाने के लिए, मान्यापन करने के लिए जाना होता है, यहाँ सीढ़ी लगाई गई है। राजेंद्र बाबू को माला जब पहनाना होता है यहाँ सीढ़ी के, इधर देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। पीछे का ये लुक दिखाते हैं, कोनी बन रही, यहाँ कुआं जैसा ये ग्राउंड बनाया गया है, देखिए देख सकते हैं आप, कुआं जैसा ग्राउंड बनाया गया है इस पर। ये कैसा लगा भाई, आप लोग को बताइए, प्रतिमा देख के कैसे खुशी लगी आप लोग, कुछ अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। हैं, आइए, आज पहली बार हमको जीरा दही आने का मौका मिला। हम लोग अभी सोचे आखिर इसी रास्ते से गुजर रहे थे और घूम ले,
बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा के पास घूमे, देखे जीरा देई को घूमे भाई सिवान में, बहुत खुशी हुआ।